नमस्कार सुबह सकाळ प्रथम खबर को स्वागत करुछु माधुरी प्रथमे हेडलाइंस। प्रधानमंत्री अध्यक्षतार आईसीटी आधारित मल्टी मोडेल प्लाटफर्म प्रगतिर 37तम बैठक 1,26,004 कोटी टंकार 8टी प्रकल्प और 9टी स्कीम्र समीक्षा कले प्रधानमंत्री। प्रकल्पगुड़िक ठिक समय समाप्त होगा गुरुत्वारोप। वन नेशन वन राशन कार्ड सहित बेड और ऑक्सीजन प्लांट निर्माण स्थिति उपर नजर रखा अधिकारी दे निर्देश। केरल में कोरोनार तृतीय लहर आशंका। तीन मस पर प्रथम थर पर 30,004 केस चिन्हट। मे 20 तारीख पर सर्वाधिक एक्टिव केस लोड 1,70,000 फुटुछ। अफगानिस्तान नागरिकों को विमान यात्रा पर मिल अनुमति। तालिबान रो डेप्युटी मुख्य को भेटा पर जर्मनी राष्ट्रदूतों सूचना। अगस्त 31 पर आईनगत प्रमाणपत्र देखा देश बाहर को जापारे अफगानिस्तान नागरिक। मर्मन्तुद सड़क दुर्घटन चलीगला गोटे पर चारि जीवन। झारखंड खुंटी जिले घटी दुर्घटना। पश्चिमबंग राउरकेला फेरवा बेले गच्छे पिटिला कार। समस्त मृत राउरकेला सिविल टाउनशिप। सूचना केन्द्रापड़ा पुलिस दबंगिरी परेशविद श्रीकांत नायकों केन्द्रापड़ा मेडिकल बलपूर्वक उठाई नेला पुलिस। खरस्रोता नदी बचाओ अभियान में आमरण अनशन अच्छा श्रीकांत नायक। आज बस नूतन परिचालना कमिटी बैठक अध्यक्षता करे गजपति महाराज दिव्य सिंह देव। सेवायत पिलां आदर्श गुरुकुल और श्रीमंदिर ऐतिह करिडर प्रकल्प नहीं आलोचना। बाहरीन आसुची ओडिया श्रमिकों मृतदेह ओडिशा पठाइबारे सहायता कले बाहरीन ओडिया समाज प्रतिष्ठाता अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार प्रराज। बाहरीन थिबा अन्य ओडिया भाई और भौनी मानंको निज समस्या जणेबा पई कले निवेदन। आज संपूर्ण खबर को प्रगतिर 37तम संस्करण रे बैठक रे अध्यक्षता करिसेंते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जहां प्रो एक्टिव गवर्नेंस एवं ठीक समय रे कार्यकारी पाई आईसीटी आधारित मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म अटे। एही बैठक रे 8टी प्रकल्प एवं गोटीए योजना समेत 9टी स्कीम को समीक्षा पाई निया जायतिला। 8टी प्रकल्प मध्यरे 3टी प्रकल्प रेल मंत्रालय एवं सड़क परिवहन एवं राजपथ मंत्रालय एवं 2टी प्रकल्प शक्ति मंत्रालय रे थिला। यह 8टी प्रकल्पर मूल्य 1,26,000 कोटी टंका रही। उत्तर प्रदेश मध्यप्रदेश पंजाब हिमाचल प्रदेश गुजरात राजस्थान महाराष्ट्र हरियाणा छत्तीसगढ़ अरुणाचल प्रदेश सिक्किम उत्तर प्रदेश मणिपुर एवं दिल्ली भली 14टी राज्य में चली प्रकल्प। यह प्रकल्प गुड़िक ठिक समय समाप्त होगा प्रधानमंत्री गुरुत्वारोप कर सहित बैठक में प्रधानमंत्री वन नेशन वन राशन कार्ड योजनार मध्य समीक्षा करथिले। लोकमानंक व्यापक सुविधा पई एही योजना अधीन रे विकसित वैश्विक प्लेटफॉर्म रा एकाधिक उपयोगिता अनुसंधान करिबाकु से अधिकारी मानंक कहिछन्ते। ऑक्सीजन प्लांट निर्माण एवं डाक्टरखाना शय्या उपलब्धता उपरे नजर रखिबाकु मध्य प्रधानमंत्री अधिकारी मानंक निर्देश दैछन्ते। केरल में कोरोनार तृतीय लहर आशंका। तीन मास पर प्रथम थर पर केरल में गोटे दिन में चिन्हट हेले 30,000 रु अधिक आक्रांत। केरल सरकार द्वारा दिया रिपोर्ट अनुसार बुधवार राज्य में 31,445 नुआ केस चिन्हट होछि जहां मे 20 तारीख पर सर्वाधिक। यहसह राज्य में दिनक 215 जनकर कोरोना रे मृत्यु होता केरल सरकार सूचना देते। संख्या सह राज्य एक्टिव केस लोड 1,70,000 पहुंची। यहसह पॉजिटिविटी हार 19% पहुंची। आज गजपति महाराज दिव्य सिंह देवों अध्यक्षतार हो नूतन परिचालना कमिटी बैठक। अगस्त 12 राज्य सरकार 10 जणिया कमिटी गठन करिथिले। कमिटी रे 7 जण नुआ मुह रहिथिबा बळे 3 जण गत परिचालना कमिटी रो सदस्य रहिछन्ते।
सकाळ 10:30 नीलाद्री भक्त निवास बैठक अनुष्ठित हेबो। एथिरे श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक परिचालना कमिटी कार्यकारी स्थायी अध्यक्ष तथा मुख्य शासन सचिव सुरेश महापात्र, जिलापाल, एसपी, श्रीमंदिर नीति व उन्नयन प्रशासकों समेत समस्त सदस्य उपस्थित रहिबे। बैठक में रत्न भंडार सब कमिटी, नीति सब कमिटी, फाइनान्स सब कमिटी, लैंड सब कमिटी आदि गठन सह अनेक सदस्यों को कमिटी स्थान दिया। विशेषकर सेवायत पाई आदर्श गुरुकुल उपरे मत रखा। सेवायत कल्याण पांठि सह आर्थिक स्थिति दुर्बल थिबा सेवायतों को घर जोगाई दिया आलोचना हेबो। एहा सह श्रीमंदिर ऐतिह्य करिडर प्रकल्प कार्य उपरे मध्य आलोचना करा जिवो। ए बाबद अधिक सूचना पाई आम सहित आलोक आशुतोष फोनलाइन जोड़ रही। आलोक आज जो बैठक अनुष्ठित हेबो निर्धारित समय कौन रही क्यों उपस्थित रहिबे एवं विशेष करी क्यों दिग को गुरुत्व दिया जिवो। आप जानते आज पूर्वाह 10:30 समय परिचालना कमिटी जो नूतन सदस्य जहाँ को आईन विभाग अगस्त 12 तारीख में अनुमोदन करके आज नूतन परिचालना कमिटी बैठक स्थानीय भक्त निवास में अनुष्ठित हेबो। आप जानते श्रीमंदिर परिचालना कमिटी स्थायी अध्यक्ष गजपति महाराज रही था। गजपति महाराज दिव्य सिंह देव बैठक में अध्यक्षता करेंगे और बैठक में श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक डॉक्टर किशन कुमार और बैठक कार्यकारी अध्यक्ष जी रही तथा मुख्य शासन सचिव सुरेश महापात्र मध्य उपस्थित रहिबे। पूरी जिलापाल, पूरी एसपी एवं परिचालना कमिटी समस्त सदस्य उपस्थित रहिबे। एवं सबुठ बड़ कथा होछि आपण जानिछन्ति परिचालना कमिटी अवधि वर्तमान शेष हो जाइथिला एवं विभिन्न स्तर रे दाबी होउथिला परिचालना कमिटी गठन करा जाउ। तो सेही परिप्रेक्षी नूतन परिचालना कमिटी गठन करा हेछि एवं 10 जन को मध्य राज्य सरकार स्थान दैछन्ति। ता भितरु 7 जन नुवा मोहर होइथिबा बेले गत परिचालना कमिटी 3 जन सेवायत पुनर्बार एथिरे स्थान पाइछन्ति। निहाती भाबरे माध्यमरे आमे कहि परिबा बैठक कि अत्यंत गुरुत्वपूर्ण कारण आप जानते बैठक में आज विभिन्न दिग उपर आलोचना करथा रत्नभंडार सब कमिटी हूँ, फाइनान्स सब कमिटी हूँ, लैंड सब कमिटी हूँ, निहाती भाव में यह सब कमिटी सब गठन होनेपटे आप जानते सेवायत कल्याण पार्टी और सेवायत पाई आदर्श गुरुकूल किभली भाव प्रस्तुत हो पारे पाने किभली भाव में शिक्षालाभ करेंगे से नहीं बैठक में आलोचना कर। सब बड़ कथा हूँ आप जानते वर्तमान जो श्रीमंदिर ऐतिह्य करिडर कार्य चली श्रीमंदिर मेघनाद पाचीर सुरक्षा सौंदर्यकरण निम्ते जो 75 मीटर भितर जो भंगा जाऊला तार ऐतिह्य करिडर रूपरे कौन हम ताशेषकर आलोचना करु। सब बड़ कथा हूँ अगस्त 23 तारीख में आज जानते सर्वसाधारण दर्शन व्यवस्था आरंभ हो तो नूतन परिचालना कमिटी आज विस्तृत भाव आलोचना कर दर्शन व्यवस्था संपूर्ण रूपे समीक्षा करा छड़ा करोनार तृतीय लहर पर दर्शन व्यवस्था कौन सब परिवर्तन करापर विस्तृत भाव आलोचना कर। तो निहती भाव में कहीपर बैठक की अत्यंत गुरुत्वपूर्ण और आज जो नूतन परिचालना कमिटी बैठक अनुष्ठित विभिन्न दिग उपर आलोचना कर। तो निहाती भाव में बैठक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण और देखा बाकी रहा बैठक शेष में कौन सब निष्कर्ष बाहर विशेषकर कौ कौ मुद्दा उपर आलोचना कर। बिल्कुल बैठक शेष पर कौन निष्कर्ष बाहर समस्त नजर रहा बहुत बहुत धन्यवाद आलोक आशुतोष नायक आम पूरी रिपोर्टर जोड़े रही थे। आगे जारी रही खबर अभियान समय एक छोट ब्रेक। ब्रेक पर स्वागत। खरस्रोता नदी बचाओ अभियान रे आमरण अनशन परेशविद श्रीकांत नायक को बलपूर्वक केन्द्रापड़ा मेडिकल परिसर उठाई नेला पुलिस। 16 दिन आमरण अनशन बसवा पर गुरुतर असुस्थ हो डाक्तखाना भर्ती होते श्रीकांत नायक तेरे चिकित्सित अवस्था उठाई ने घटना पुलिस कार्यपन्था पर प्रश्नवाची सृष्टि कर। रिपोर्टर प्रभात लिंका, प्रभात खरस्रोता नदी बचाओ अभियान जहाँ आंदोलन तीव्रतर होता जिते परेशविद से आंदोलन प्रतिवाद करते गोटे भिन्न ढंग से वर्तमान पुलिस उठाई नहीं जाती से पुणी हस्पिटालाइजेशन समय ये कि देखुंत गत 10 तारीख जो परेश श्रीकांत नायक जिलापाल सम्मुख में धारणा देते गांधी मूर्ति तले तेज यही परिदृश्य विशेष अगस्त 15 तारीख जो रही
15 तारीख पर बलपूर्वक भाई बंद पुलिस उठी नहीं जाता तेरे मेडिकल केन्द्रापड़ा मुख्य चिकित्सालय परिसर गोटे असंजत अवस्था तक फोपाड़ दी आसते तेरे ये गोटे पथित विष पर गत का राति राति दसटा समय स्वास्थ्य स्थित गुरुतर हो पड़ा कटक को जबरदस्त कह बलपूर्वक पुलिस उठे जितने से गोटे ये घर श्रोता नदी पा दिजाव कारण ये जो रही परेश केन्द्रापड़ा जो रही हाट कहतरकनिका जो भितरकनिका पाई केन्द्रापड़ा वर्ल्ड बेस परिचय सृष्टि कर रही जिद रही देखिए गोटे पा दिजाने बुंदे पा दिजाना ये जो स्थित को नहीं सहित प्रशासन स्तर में कौन अधिकारी आलोचना कले सब स्थित को नहीं जो श्रीकांत दीर्घ 16 दिन धरी आमरण अनशन बसते तेरे शारीरिक जो शरीर असुस्थ हो पड़ा तेरे उत्तम चिकित्सा करागला ना कि पुलिस पुलिस प्रशासन तरफ काली नाली आखि देखी आपड़े देखु से चित्र कि भाव थी पुलिस पारिवा पड़िया केन्द्रापड़ा जिलार साधारण जनता प्रश्न उठाई जैसे परेश हूँ जो सामाजिक कर्मी हूँ जो समाज पर कार्य चाहूँ से प्रशासन रोक लगुच प्रशासन बलपूर्वक प्रशासन कहीं रोक लगाते लोक मैंने सामना को आसुच्च समस्या निजर जीवन जीविका आसुच्चे प्रशासन पक्ष पुलिस प्रशासन कथा कहुआ जिला प्रशासन पक्ष निश्चित भाव ये जो स्थिति गोटे प्रकार माधुरी आम देखा चाहिए जेहतु तीनो पंचायत हजार हजार संख्यार लोक मैंने विरोध करासक दल छाड़ीदे अन्य समस्त राजनीतिक दल से हस्तक्षेप करतमान आज ग्रस्त करेंगे केन्द्रापड़ा वरिष्ठ नेता विजय महापात्र बीजेपी तेरे ये जो विजय महापात्र ग्रस्त पूर्व गोटे प्रकार श्रीकांत को हटे दि जाकांत को सेठ उठे नि गोटे प्रकार आलोचनार विषय पलटि कारण विजय महापात्र जो ग्रस्त करेंगे यही परिप्रेक्षी अनेक अभिज्ञता रही केन्द्रापड़ा जिला जिते नदी ना अभिज्ञता रही निश्चित भाव प्रश्न भावे जिला प्रशासन घायल हो तेरे यही परिवार श्रीकांत को उठे उठाई चिकित्सित अवस्था उठाई ना कौट ना कौट पुलिस प्रशासन गोटे कार्यपन्था पर प्रश्नवाची सृष्टि धन्यवाद केन्द्रापड़ा रिपोर्टर प्रभात लिंक आम सहित जोड़ रही थे राज्य में दुर्बल रही मौसुमी वायु तेरे गत 24 घंटे उपकूल ओडिशार किछे स्थान में कालबैशाखी वर्षा होइछे केन्द्रापड़ा मार्साखाई में सर्वाधिक 74 मिलीमीटर वर्षा होता बेले सुवर्णपुर डुंगरीपाली में सर्वनिम्न 32 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड होइछे जून 1 रु अगस्ट 25 मध्य राज्य में 31% कम वृष्टिपात होता पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना मिली केवल कोरापुट मालकानगिरी और नुआपड़ा को छाड़देले अन्य समस्त जिले में स्वाभाविक ठार कम वृष्टिपात हो आज 11 जिले में कालबैशाखी वर्षा होबार संभावना रही कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर कलाहांडी नुआपड़ा बलांगीर बरगढ़ झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ केन्दुझर और मयूरभंज जिलार किछि स्थान में वज्रपात सह वर्षा हो पारे 28 तारीख जाए राज्यर किछि स्थान में वर्षा होने पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना मिली ए बाबदू अधिक सूचना पाई आम सहित स्वप्नांचलि महांती आम भुवनेश्वर रिपोर्टर जोड़े रही स्वप्ना पाणीपाग जनित खबर को नहीं कौन वर्तमान समय अपडेट आस देखते माधुरी जो भाव में पाणीपाग विभाग सूचना दे दक्षिण पश्चिम वायु धीरे धीरे मौसुमी वायु दुर्बल एवं राज्य में नियंटिया वर्षार जहाँ स्थिति समान भाव में लग रही देखा तेल राज्य में वर्तमान पर्यंत स्वाभाविक वर्षा ठू 31% वर्षा कम होपटे जदि देखा अगस्ट मसर जहाँ वर्षार परिमाण रहा स्वाभाविक स्थित ठार 55% कम रही अर्थात राज्य में रेकर्ड भांगी नियंटिया वर्षा पूर्वतन केन्द्र पाणीपाग निर्देशक जहाँ सूचना देखते श्री शरतचंद्र साहू सूचना देखते यहाँ हूँ 56 वर्षर रेकर्ड भांगी अगस्ट मस नियंटिया वर्षा होर्थात 1965 मसीह 47.0 मिलीमिटर वर्षा होता और तापर 56 वर्ष पर अगस्ट मसर जो स्थिति रही स्वाभाविक वर्षा हो पारिना जहाँ 55% कम वर्षा रही जदि देखा ये जो वर्षार परिमाण रही मौसुमी बाय आग को जो तीन दिनिया वर्षा हो कि मात्रा जदि नियंटिया वर्षार परिमाण
डिमांड को भरण किंतु चासी मानक क्षेत्र रे यह सहायक हबो बोली पानीपाक विभाग सूचना दउछि बा आकलन करछि। एवं जो वर्षा तीन दिन रहिबो राज्य रे 26, 27, 28 एवं तापर 29 तारीख को यह दुर्बल हबो माधुरी। एवं जो 26, 27, 28 वर्षा रहिबो अर्थात आज 26 तारीख दिन राज्य रे विभिन्न अंचल को हाई अलर्ट मध्य जारी करा जाइछि जेपर कि जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर, मयूरभंज एभली किछि अंचल रहिछि, एभली किछि जिला रहिछि जहाकु पानीपाक विभाग हाई अलर्ट जारी करा जाइछि अर्थात 24 घंटा मध्य अधिक रु अधिक वर्षा हाबा सहित प्रबल घड़घड़ी एवं बिजुलीर मध्ये संभावना रही है। सेपटे जदि देखिबा नयागढ़, खोर्धा, मयूरभंज ए सबू जिला मानक किछटा स्थान रे वर्षार परिमाण स्वाभाविक रहिबो बा किछ परिमाण रे वर्षा होई पारे बोली जहाँ सूचना रहुछि। तेणु जदि कहा जाए जे जो स्वाभाविक वर्षा रहिबा कथा ताहा रही नाही, जे स्वाभाविक वर्षा टू कम रहिछि अर्थात राज्य रे वर्तमान पर्यंत नियंटिया वर्षार परिमाण लागि रहिछि। एवं आउ गोटे पटे जदि देखिबा आज जो वर्षा हेबं एवं जो जिल्ला मानक हाई अलर्ट जारी करा जाइछि एवं अधिक रु अधिक वर्षा होई पारे 24 घंटा रे से लोक मानक पाखरे केमती सुखिला करू अधिक वर्षा होई पारे अर्थात 26, 27, 28 ही तीन दिन राज्य में लग रहा वर्षा जहाँ पाणीपाग विभाग पक्ष आकलन करा बहुत बहुत धन्यवाद स्वप्न आपंकर तमाम सूचना। आसिया परवर्ती खबर को मर्मन्तुद सड़क दुर्घटन चलीगला चारि जीवन झाड़खंड खुंटी जिले में घटी एभली मर्मन्तुद सड़क दुर्घटना। पश्चिमबंगर गोटे परिवार कार रे राउरकेला आसुवा बेले गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो दुर्घटन चारि जनकर मृत्यु होता बेले तीन जन गुरुतर होती मृतकों मध्य बापा माँ दुईटे शिशु थी सेपटे दुई गुरुतर को रांची स्थानांतर कर राउरकेला सिविल टाउनशिप अंचल कन्हैया जैन निज परिवार भौणी घर को रक्षाबंधन जाते राउरकेला फेरवा बेले झाड़खंड खुंटी तोरपा चुरगी नदी निकट में कार चालक भारसाम्य हर गचर पिटी होवर घटनास्थल बापा माँ पु झीर मृत्यु हो मृतक हेले कन्हैया जैन तांको स्त्री रीमा जैन एवं 8 वर्षर पु ऋषभ जैन 2.5 वर्षर झी निशिका जैन गुरुतर अवस्था ड्राइवर मृत कन्हैया जैन को पुतुरा विशिष्ट जैन झियारी बंशिका जैन को रांची रिमंस डाक्तरखाना भर्ती करा जाइछि। अफगानिस्तान नागरिकों को विमान यात्रा पर अनुमति देव तालिबान बुधवार तालिबान डेपुटी मुख्य को भेटी आलोचना करते जर्मानी राष्ट्रदूत तेज अगस्त 31 पर आईनगत प्रमाण थिबा नागरिकों को देश बाहर को विमान यात्रा पर अनुमति देवाक तालिबान राजी होता कहते जर्मानी राष्ट्रदूत अगस्त 31 सुधा आमेरिका अफगानिस्तान संपूर्ण सेना प्रत्याहार कर एहा परे अफगानिस्तान नागरिकों को देश बाहर को जीपा को अनुमति मिलिबो बोली से कहिछन्ते। समय हो छै एक छोटो ब्रेक रो ब्रेक परे खूब शीघ्र फेरुछु। ब्रेक परे स्वागत। बाहरीन एयर इंडिया विमान जोगे ओडिया आसुची श्रमिकों मृतदेह मृतदेह पठाई पारे सहायता करिछंती बाहरीन ओडिया समाज प्रतिष्ठाता अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार प्रहराज आर्थिक चापरे मानसिक भारसाम्य हराई अगस्त 16 रे आत्महत्या करिथिले गंजाम जिलार जितु स्वाई। बाहरीन एयर इंडिया विमान जोगे ओडिया आसुचे श्रमिकों मृतदेह मृतदेह पठाई पारे सहायता करिछंती बाहरीन ओडिया समाज प्रतिष्ठाता अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार प्रहराज आर्थिक चापरे मानसिक भारसाम्य हराई अगस्त 16 रे आत्महत्या करिथिले गंजाम जिलार जितु स्वाई। भारी दुखर कथा जे आज सकाळे श्री जितु स्वाई नामक जने 27 वर्षीय युवक सलमाबाद बाहरेन थिबा श्रम शिविर रे आत्महत्या करछंती। सामस अलमनार ब्लैक स्मिथ कंपनी रे श्रमिक भाव कार्यरत थिले
ତାଙ୍କ ଭିଣୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭାତଠୁ ସୂଚନା ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିସାରିଛି। ଏବେ ପୋଲିସ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୃତ ଶରୀରକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ଏହା ଭାରି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ମୁଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏପରି ଷ୍ଟେପ୍ ନ ନେବା ପାଇଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସାରା ଜୀବନ କଷ୍ଟ ପାଇବ। ଗରିବ ଓ ଅସହାୟଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି ଅନେକ ଯୋଜନା, ହେଲେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଣଦେଖା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ବି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନୟାଗଡ଼ ଦଶପଲା ବ୍ଲକ ସୁବାଳିଆ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ସାହିର ଲୋକେ। ଦେଖିବା ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ରିପୋର୍ଟ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ଦଶପଲା ବ୍ଲକ ସୁବଳିଆ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ସାହିର ଘୁଡ଼ୁକି କଳାକାର। ମୁଣ୍ଡପୋତା କଳା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏହି ଲୋକେ ଆଜି ବି ଅସହାୟ ଭାବେ ଛଣଛପର ଆଉ ମାଟିକାନ୍ଥ ତଳେ ବିତାଉଛନ୍ତି ଜୀବନ। ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଘୁଡ଼ୁକି ବାଜା ବଜାଇଲେ ଯାହା ମିଳୁଛି ତାକୁ ନେଇ ଚାଲେ ଏମାନଙ୍କ ତେଲ ଲୁଣର ସଂସାର। ଏମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ପଚାରେ କିଏ? ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର 57 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥଠାରୁ ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଏହି ଗାଁ, ତଥାପି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ୁନି। ଆଜ୍ଞା 80 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚଳୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ରହିଛୁ ଆଜ୍ଞା, ବାପା ଜେଜେ ଅମଳଟେ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ରହିଛୁ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଆମକୁ କିଛି ମିଳୁନି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ 80 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଏତେ ଭୋଟ ଦେଲୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ, କି ଆମକୁ ଆମ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି? ଏମଏଲଏ ହଉ, ଏମପି ହଉ, ଯିଏ ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଆରେ ବାବୁ ହଉ, ତହସିଲ ହଉ, ବିଡ଼ିଓ ହଉ, ଯିଏ ଆଜ୍ଞା ଆମ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ହେମଲକ ଯାଇଥିଲେ ହେମଲକ ମୁଣ୍ଡିଆ ଜୁଆର ମାରିଲୁ, ତହସିଲକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ଜୁଆର ମାରିଲୁ, ସବୁ ଜୁଆର ମାରିକି ଆଜ୍ଞା କେହି ଆମ କଥା କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ହଇରାଣ ଏବେ ଚଳୁଛୁ, ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର କାଲି ତାଳ ଖୋଳିଆ ରହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ ବିଧାୟକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ବାବୁମାନଙ୍କୁ ଗୁହାରି କଲେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନି। ସେପଟେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜାଣିନଥିବା କହିଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା, ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଆଜ୍ଞା ଆଁ କଲା ଆଜ୍ଞା, ଆମର କଲିଜା ଦୁଶୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମ ପାଇଁ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ବାବୁମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର ଆଜ୍ଞା କହିଲୁଣି, ବହୁତ ଥର ଅନୁରୋଧ କଲୁଣି, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ବାବୁର ପାଦ ତଳେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକିରି ଜୁହାର ମାରିକିରି ଆଜ୍ଞା ତା ପାଦ ତଳେ ଆଜ୍ଞା ଗଡ଼ିକିରି ଆଜ୍ଞା କହିଲି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ବାବୁ କରିଦେବି କରିଦେବି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଦୁଃଖ କେହି ଶୁଣିଲେନି ଆଜ୍ଞା। ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଏ ମୋ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା, ତେଣୁ ଏ ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରିବୁ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଲୋକ କୌଣସି ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସ୍କିମ୍ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। କେବେ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ସରକାରଙ୍କ ନଜର ଆଉ କେବେ ମିଳିବ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ନୟାଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିଶ୍ୱନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ର ଓ ଦଶପଲାରୁ ମନୋଜ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମିଠା ଦୋକାନ ନାଁରେ GST ଦାଖଲ କରିନଥିବା ନେଇ ନୋଟିସ୍। 71,19,627 GST ଦାଖଲ ହୋଇନଥିବା ନେଇ ନୋଟିସ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ। ଭଦ୍ରକ ଧାମନଗର କୋଠର ଛକରେ ଥିବା ମା ମଙ୍ଗଳା ସୁଇଟ୍ସ ଷ୍ଟଲ ନାମରେ ଏମିତି ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି। ମିଠା ଦୋକାନୀ ମାଲିକ ଅଭିଜିତଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଥିବା ଅସୁରାଳି ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବିକ୍ରି କର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଚିଠି ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଭିଜିତଙ୍କ ନାମରେ 2 ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ GST ବାବଦରେ 71,19,627 ପୈଠ କରିନଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଏପରି ନୋଟିସ୍ ସହିତ ଅଭିଜିତଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସିଜ୍ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଭିଜିତ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଧୂଷୁରୀ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହିତ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇଥିଲି ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଉଠିବା ପାଇଁ, ମୋତେ ବ୍ୟାଙ୍କ ନୋଟିସ୍ ଦେଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର GST 72,19,627 କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଭଦ୍ରକ GST ଅଫିସ୍, ସେ କହିଲେ ଥାନାରେ ଦେଖା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯାଜପୁର ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ବ୍ୟୁରୋ ଅଛି ସେଠି ଯାଇକି ଦେଖା କରନ୍ତୁ, ସେଠି ସିଏ ସଜେସନ୍ ଦେବେ ଆଉ। ସେ ସଜେସନ୍ ଦେଲେ ଥାନାରେ ଏଫ୍ ଆଇ ଆର୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଥାନାରେ ଏଫ୍ ଆଇ ଆର୍ କରିଛି ଆଉ। କେଉଁ ଦିନ କଲେ? କରିଛି 4-5 ଦିନ ହେଲା। ଥାନା ଆଇଏସ୍ କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଯେ ଗୁଣ୍ଟୁରୁ ଯାଇକି ଏଫ୍ ଆଇ ଆର୍ କରିବା ପାଇଁ।
ए बाबद्रे अधिक सूचना पाई आवश्यक रिपोर्टर विश्वजित पल्लई चढ़ी विश्वजित मिठा दोकानी को जीएसटी नोटिस करागला ता परवर्ती समय अभिजित जी दोकानी जनक से जा थाना अभियोग कर अभियोग आधार में कौन पदक्षेप नि पुलिस प्रशासन पक्ष हाँ देखो माधुरी जो मिठा दोकानी जनक जो कोठार ग्राम रही जो धामनगर अंचल मिठा दोकानी माँ मंगला स्वीट नाम जन व्यक्ति जे कि मिठा दोकान कोठार जो ग्राम रे जो कोठार छक रही मिठा दोकान थिला बेले किंतु एते टंकार जो प्राय 71 लाख टंकार जो 19627 टंकार वर्तमान पई तांको जीएसटी मान तांको ऊपर लदी दिहाई ताको नै से वर्तमान पई चिंता थिला बेले तो निश्चित भाव से जतले ए संपर्क रे बैंक को तांको अकाउंट विभिन्न समय रे जाउतला बेले तांको एबोली एको नोटिस आसथिला जहाँ को नहीं सी चिंतार थिले या फल जो स्थानीय जो रही जो जाजपुर रोड रे जाई जो जीएसटी ऑफिस रे बुझा सुझा कला परे वर्तमान से जो गत काली गोटे अभियोग करछथि दुसुर थाना रे तो वर्तमान सुधा सेमती कौन सी कार्यानुष्ठान दुसुर थाना तरफ निया जाय नथला बेले किंतु जहाँ को नहीं कि स्थानीय अंचल रे घटना को नहीं कि गोटे चांचल्य सृष्टि होई तबे जो अभियोग जो रही जो अभिजित तो निश्चित भाव कौटि ना कौटि जो ठके कि नहीं कि से चिंतार रही माधुरी ओके ठके शिकार होती किंतु धूसरी थाना जिते अभियोग कर पुलिस प्रशासन पक्ष कौन पदक्षेप निपर रही नजर बहुत बहुत धन्यवाद विश्वजित पल्लई रिपोर्टर आम सहित जोड़े रही समय सारी बुलेटिन को ये रखु नमस्कार।